नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और कैरी बैग डिज़ाइन। कैरी बैग डिज़ाइन का मैटर मैंने पहले से टाइप कर रखा है। जो इस बार कैरी बैग डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो एक कपड़े की दुकान की कैरी बैग डिज़ाइन है। इसको मैं 4 कलर और 2 कलर में डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ या माउस से या फिर कीबोर्ड से, कुछ दोस्तों का कमेंट था कि इस शॉर्टकट को ऑन करें, तो उसको मैंने ऑन कर दिया है। जैसे माउस लेफ़्ट बटन में प्रेस कर रहा हूँ तो तुरंत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है माउस लेफ्ट बटन, या फिर राइट बटन प्रेस कर रहे हैं तो राइट बटन। कीबोर्ड में दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दिए होते हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड से शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख रहा है एल शिफ्ट, तो मैं राइट शिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो कर रहा है आर शिफ्ट। इसी प्रकार से अगर हम कोई भी शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं कीबोर्ड और माउस से जितने भी शॉर्टकट यूज़ करेंगे आपको सभी शॉर्टकट देखने को मिलेंगे, आपको सीखने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो कैरी बैग डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी साइज़ 9x11 है, तो मैंने यहाँ पर 9x11 सेट कर लिया है। अब हमेशा की वहाँ टूल बार में जाएंगे और रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ। हमें चारों साइड से 0.5 इंच का मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हम टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉन्टूर। उसके बाद इस लाइन से हम ड्रैग करेंगे माउस होल्ड करके। जैसे मैं माउस को होल्ड कर रहा हूँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है कि माउस होल्ड है। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 0.5 इंच का चारों साइड से मार्जिन आ जाता है। इसको चाहें तो आप ब्रेक पार्ट कर सकते हैं, तो अरेंज में जाएं या फिर आप कंट्रोल के से भी ब्रेक पार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के। अब ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसी में हम मैटर सेट करेंगे, और जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसमें हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। अब इसी अंदर वाले रेक्टेंगल में हम मैटर सेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको बाहर कर लेता हूँ। टूल बार में जाएंगे, एक रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं। शेप टूल से मैं इसका कॉर्नर राउंड कर दे रहा हूँ। इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर रहे हैं इंटरसेक्ट, और इन दोनों को मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। यहाँ पर एक पैच आपको मिल जाता है, इसमें हम कलर फिल कर देते हैं सान। जी प्रेस करेंगे और इसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं मैजेंटा 50%, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है। जस्ट इसी का मैं एक और डुप्लीकेट करता हूं और यहां पर जो कलर हम फिल कर रहे हैं वो ब्लू कलर फिल कर रहे हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन यहां पर मैं कर दे रहा हूं 2 पॉइंट, बिहाइंड फिल करते हुए ओके करते हैं और आउटलाइन को मैं वाइट कर दे रहा हूं। दोनों को एक साथ लगा दे रहे हैं मधुर व्यवहार उचित मूल को। इसका दोनों का हम साइज छोटा करते हैं और कलर वाइट करते हुए यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। शिफ्ट की प्रेस करते हुए पेज अप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जा रहा है और साइज हम इसमें सेट कर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप करेंगे और यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं। इमेज की साइज को हम और बढ़ा लेते हैं, इमेज बल्कि टेक्स्ट और इमेज दोनों को सेट करेंगे एक साथ। इमेज को और बड़ा कर लेते हैं। टूल बार में जाएंगे, लेफ्ट टूल से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। जस्ट इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको नीचे की साइड से सेट कर रहे हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसमें हम फिल कर दे रहे हैं येलो कलर, लाइट येलो कलर फिल करेंगे, थोड़ा सा और डार्क करेंगे, और इसका जो कलर है उस कर रहे हैं केसरिया कलर। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे पावर क्लिप। बाहर वाले रेक्टेंगल में हम पावर क्लिप करेंगे इसको। अब इस मैटर को हम इसमें सेट कर लेते हैं। प्रोपराइटर को हम राइट साइड में लगा दे रहे हैं। कलर इसका ब्लैक ठीक है, और आर्यन साड़ी सेंटर को और बड़ा कर लेते हैं।
कलर मैं इसका रेड कर दे रहा हूँ और F12 प्रेस करेंगे। इस पर हम आउटलाइन सेट करेंगे। आउटलाइन यहाँ पर मैं 4 पॉइंट रख रहा हूँ बिहाइंड फिल। ओके, आउटलाइन वाइट। दोबारा से F12 प्रेस कर रहे हैं और आउटलाइन में 8 पॉइंट कर दे रहा हूँ। कीबोर्ड से प्लस प्रेस करूँगा और एक डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद इसका कलर जो है कर दे रहे हैं ब्लैक। कंट्रोल के साथ हम पेज डाउन करेंगे एक बार और एरो की से मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो कुछ इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट मिल जाता है। इसको हम ग्रुप करेंगे। साड़ी सेंटर को इसके नीचे हम लगा देते हैं। सेंटर में लगाएं या फिर राइट साइड में, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो राइट साइड में ही रहने दे रहे हैं। इस कलर इसका जो है ब्लू कर दे रहा हूँ। इसमें भी चाहें तो आउटलाइन लगा दें, 3 पॉइंट बल्कि 4 पॉइंट आउटलाइन में इसमें लगा रहा हूँ। बाकी बचे हुए मैटर को यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं और ऊपर के साइड में, और यहाँ पर हम डिज़ाइन लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करेंगे। हम यहाँ फॉन्ट से इंसर्ट करेक्टर से हम डिज़ाइन सेट करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं W। ये लगभग सभी के कंप्यूटर में ये फॉन्ट मिल ही जाता है। यहाँ पर ऑल करेक्टर्स, और मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से इंसर्ट कर ले रहा हूँ। साइज छोटा करेंगे और कलर जो इसका है उसे ऑन कर देता हूँ। इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे इस तरीके से, तो ये डिज़ाइन आपको मिल जाता है। ऐसे इतने को डिलीट कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर इसको हम करते हैं डिलीट और इसमें से इसको और बड़ा करेंगे और एक इस तरीके से यहाँ पर सेट करें और फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं सेट कर रहा हूँ इसको। आउटलाइन की विड्थ को हम कर दे रहे हैं 1.5। ओके, इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड में भी लगा देते हैं और कलर इसका जो है उससे आ नहीं रख रहे हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ऊपर की साइड में कुछ डिज़ाइन लगा लेते हैं। उसके लिए हम टूल बार में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और यहाँ पर जो सेट कर रहे हैं स्पायरर। यहाँ पर आपको आएंगे तो मिल जाता है कुछ डिज़ाइन। इस पत्ती को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो उसके लिए आप अरेंज में जाएं और यहाँ से कर रहा हूँ प्रेके पार्ट। उसके बाद अनग्रुप करेंगे और एक पत्ती को मैं यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। ये जो इस बैकग्राउंड को हम ग्रेडियंट बना लेते हैं, जी प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं कर रहा हूँ रेडल। थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं इसको। तो इतना डिज़ाइन करने के बाद अब ये जो ऊपर के साइड में डिज़ाइन बच रहा है इसको भी कुछ सेट कर लेते हैं। तो बार वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम फिल कर देते हैं लाइट सैंड कलर। जी प्रेस करेंगे, इसको भी मैं ग्रेडियंट बना लेता हूँ। फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी का हम डुप्लीकेट करते हैं। कंट्रोल ऑल से रिपीट, इसको हम कर्व करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको मैं कर्व कर रहा हूँ और फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से मैं बिल्ड कर दे रहा हूँ और इसमें वाइट कलर फिल करेंगे। उससे पहले हम पावर क्लिप कर देते हैं। इफेक्ट में जाएंगे और पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पर मैं पावर क्लिप कर दे रहा हूँ। शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे और इसका कलर वाइट। टूल बार में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म। इसका जो कलर है और डल कर देता हूँ लाइन का, सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 75। ओके,
कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। अब इन सभी मैटर को हम इसमें पावर क्लिप कर देते हैं। पहले इस आउटलाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे बाहर से ड्रैग करके और करेंगे कंट्रोल एक्स, इस पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करके माउस लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है और फिर इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। नीचे वाले डिज़ाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर से हम इसमें ट्रांसपेरेंट कर दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, इस तरीके से मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट कर दे रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की साइड भी थोड़ा सा लगा देते हैं तो डिज़ाइन देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको रोटेट कर दे रहे हैं कुछ। इस इमेज को थोड़ा सा हम नीचे करें या फिर इसकी साइज बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है। इसी का हम डुप्लीकेट करते हैं और डबल कलर में हम इस मैटर को सेट करेंगे। नेक्स्ट पेज इंसर्ट करेंगे, पीसे पेज के सेंटर में इसको मैं कर लेता हूं और इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहां से मैं कर रहा हूं एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद इस डिज़ाइन को हम सेट करेंगे और इफेक्ट में जाएंगे, एडजस्ट, उसके बाद टोन कर्व। टोन कर्व से हम यहाँ डबल कलर में इसको करेंगे। चैनल में जाएंगे यहाँ पर और इसमें से मैं ब्लैक कलर को कर रहा हूँ हाइड। यहाँ से इसको हम नीचे कर देंगे। इसी प्रकार से हम येलो को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी नीचे के साइड कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपको अब डबल कलर में डिज़ाइन मिल जाता है। इसी प्रकार से हम बॉटम वाले डिज़ाइन को भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में जाएंगे, एडजस्ट, टोन कर्व, चैनल और इसमें से हम ब्लैक कलर और येलो कलर यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, अभी हमारा डिज़ाइन टू कलर में हो जाता है। इससे टेक्स्ट को हम ब्लू कलर कर देते हैं, ब्लू या पर्पल भी कर सकते हैं। जी प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं स्यान को कम कर रहा हूँ, स्यान कर रहा हूँ 70। और नीचे के साइड में जो डिज़ाइन लगा हुआ है इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ स्यान। और ये जो येलो कलर है यहाँ पर मैं लाइट मैजेंटा फिल कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लाइट मैजेंटा कर रहा हूँ। इसके बाद बाहर वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम लाइट सैंड कलर फिल कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आता है। और इस डिज़ाइन को चाहे तो भी सैंड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और बिट मैप करेंगे, बिट मैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप यहाँ से इसको करते हैं। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे और एडजस्ट, टोन कर्व और मैं यहाँ से ब्लैक कलर, येलो कलर को हाइड कर देता हूँ। इस बार इसमें हम सैन कलर फिल करेंगे तो बिट मैप में जाएंगे, मोड के अंतर्गत आप सेलेक्ट करेंगे डाउ टोन। और यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं सैन कलर, ओके ओके कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिंगल कलर भी फिल कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी फिल कर ले रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने डबल कलर में सेट कर लिया है और ये डिज़ाइन फोर कलर में सेट कर लिए हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैंने फोर कलर और टू कलर में कैरी बैग डिज़ाइन कर लिया है। आप अभ्यास करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।